बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है उड़ीसा के लिए, जो हम अभी डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं या कर रहे हैं लड़की लोग के लिए। एक बहुत बड़ा IWL एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 60 गर्ल्स को चांस मिल रहा है एक साथ बड़ा बड़ा मैच खेलने के लिए, बाहर में जो बड़ा बड़ा क्लब है उन लोग के साथ मैच खेलने के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और उसके साथ जो बाकी जो उड़ीसा के बच्चे हैं 60 के बाद, वो लोग भी इंस्पिरेशन मिल रहे हैं उन लोगों को कि उन लोग IWL के थ्रू वो लोग आगे उन लोग का लाइफ कैरियर बना सकते हैं फुटबॉल में। एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है उड़ीसा फुटबॉल के लिए। सबसे पहले मैं हमारा गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा और AFF को धन्यवाद देना चाहूँगी कि दोनों ने मिलके जो इधर IWL का प्लेटफॉर्म किया है, इसमें से हमारा जो उड़ीसा के 60 गर्ल्स इधर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी 2-3 क्लब में भी थोड़ा बहुत प्लेयर्स हैं। तो ये उड़ीसा फुटबॉल के लिए, फ्यूचर के लिए जो लड़की लोग खेलने के लिए आते हैं उनके लिए ब्राइट फ्यूचर है, क्योंकि इधर लोग को इंडिया टीम के प्लेयर्स के साथ, सीनियर इंडिया टीम, जूनियर इंडिया टीम के प्लेयर्स के साथ खेलने को चांस मिला है। ये प्लेयर्स आगे जाके नेक्स्ट ईयर में वो लोग दूसरा क्लब में खेलेंगे और नेशनल टीम के लिए भी ये लोग जाएंगे। मेरे को इतना होप है कि हमारा प्लेयर्स के पास इतना एबिलिटी है, वो लोग नेशनल टीम में भी जा सकते हैं। तो इनके लिए बड़ा प्लेटफॉर्म है, सब क्रेडिट हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट प्लस गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा AFF को जाता है। मुझे ऐसे फील होता है कि जो बच्चे लोग हैं उन लोग अभी फर्स्ट टाइम ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन लोग के लिए ये पूरा अलग दुनिया है। और इन लोग यहाँ पे जो अकोमोडेशन मिला है, जो ग्राउंड मिला है, वो लोग कभी सोचे नहीं थे कि ऐसा फैसिलिटी मिलेगा करके, क्योंकि वो लोग जो भी उड़ीसा के बच्चे हैं वो लोग सब गांव से हैं, वो ट्राइबल एरिया से हैं, उन लोग के लिए ये पूरा अलग दुनिया है। वो लोग बहुत सारे बच्चे हैं जो कि ये सब फैसिलिटी देखे नहीं थे, उन लोग के लिए वो लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं और ऐसा ग्राउंड में खेलने के लिए मौका मिल रहा है उनको, वो लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं इसको। आज आप जो बोल रहे हैं उड़ीसा को इंडिया में स्पोर्ट्स हब या स्पोर्ट्स कैपिटल बोल रहे हैं, तो इसका क्रेडिट सब गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा को जाते हैं, हमारा CM नवीन पटनायक सर को जा रहा है, क्योंकि सिर्फ फुटबॉल में नहीं, आप जैसे बोल रहे हैं कि U17 वर्ल्ड कप आ रहा है और बहुत सारा टूर्नामेंट इधर होगा, सिर्फ फुटबॉल में नहीं, हॉकी है, एथलेटिक्स है, रग्बी भी हुआ है पहले, अभी आगे बहुत सारा दूसरा इवेंट में भी बहुत सारा इंटरनेशनल नेशनल्स इवेंट इधर होगा। और इधर जो इंफ्रास्ट्रक्चर हर गेम में है, आगे जाके जो भी प्लेयर उड़ीसा में स्पोर्ट्स को कैरियर करने के लिए चाहते हैं, वो लोग उनका पेरेंट्स अभी से बोल रहे हैं हमारा बच्चे इसी स्पोर्ट्स में कैरियर करेंगे, एक पॉजिटिव साइन है। क्योंकि पहले जब हम लोग खेल रहे थे तब इतना फैसिलिटीज नहीं था, अभी जैसे फैसिलिटीज मिल रहे हैं बच्चों को, इतना स्कोप मिल रहा है आगे जाने के लिए, डेफिनेटली उड़ीसा स्पोर्ट्स और आगे जाएगा। हम तो अभी IWL के लिए अलग अलग क्लब में साइन है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि वुमेन्स फुटबॉल और डेवलपमेंट करें, और जैसे कि अभी हम लोग लगे हुए हैं, बाकी पहले इतना फैसिलिटी नहीं था, अभी जो फैसिलिटी सब मिल रहा है उस वजह से हम सोच रहे हैं कि आगे श्योर कुछ अच्छा रिजल्ट होगा और अच्छा वुमेन्स फुटबॉल में भी अच्छा फ्यूचर होगा। जैसे कि मैम ने बताया, आगे सिर्फ हमारा, मैं फुटबॉल के बारे में बोलूँगी, हमारा गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, फुटबॉल एसोसिएशन उड़ीसा, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, सबको ही मिलके कैसे वुमेन्स फुटबॉल को आगे लेना है, डेवलप करना है। इसीलिए अभी फर्स्ट टाइम जो 60 प्लेयर्स हैं, आगे जाके हम लोग कैसे हमारा नेशनल इंटर स्टेट में हर एज ग्रुप में हम लोग अच्छा रिजल्ट करें, चैम्पियन हो के मैक्सिमम हमारा प्लेयर्स हर एज ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल टीम में उस सब कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ कोचेस भी ट्राई कर रहे हैं कि अच्छा प्लेयर प्रोड्यूस हो उड़ीसा से। तो ऐसे अगर चलता रहेगा तो डेफिनेटली एक दिन उड़ीसा का मैक्सिमम प्लेयर नेशनल टीम में प्लस हर क्लब में, जो प्रोफेशनल क्लब है, बड़े बड़े क्लब में खेलेंगे।